कैप ऑफ वाटर बॉटल. बोलो जी. अगर हम ढक्कन को एज अ लिमिटेशन देखें तो जो वो एक सोसाइटी का प्रेशर है जो अंदर के हमारे जो पानी है वो क्रिएटिविटी को बाहर आने से रोकता है. एक्सेलेंट. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर अपने दिमाग पे. आपके एक ढक्कन है. वो ढक्कन क्या है? बैरियर. वो बैरियर क्या है? आपके अंदर पानी है. पानी मतलब एनर्जी भरी पड़ी है लेकिन वो एनर्जी बाहर नहीं आ पाती है. तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नंबर एक ढक्कन. नंबर दो और बताओ क्या क्या किस किस तरह के ढक्कन है हमारे अंदर जिस वजह से हम अपने पोटेंशियल को बाहर आने से रोकते हैं. वो नहीं करते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं. फियर्स, डर. वो डर किस चीज का होता है? फेल होने का डर होता है. तो ये सब ढक्कन है. अगर इन सारे ढक्कनों को आप हटा दो तो एक एक करके, जैसे एक ढक्कन आपका क्या है? डर लगता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा. ये डर है ना जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते हैं. फेल हो गया तो दुनिया बड़ा मजाक उड़ाएगी. फेल हो गया तो पता नहीं क्या होगा. अरे बिना फेलियर के कोई सक्सेसफुल हो सकता है? बस फिर तो फेलियर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस. फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस. हट गया ढक्कन. देखो ऐसे एक एक करके. और ये ढक्कन कैसे हट सकते हैं? क्या फोर्स से हटेंगे? दम लगाओगे कि नहीं मेरे को डर नहीं लगना चाहिए, व्हाटएवर, तो डर लगना बंद हो जाएगा? या समझ से हटेंगे? यही तो काम चल रहा है. समझे? अगर ये बात हमको समझ आ जाए, अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अब मैं कुछ भी बोलूंगा आपके ऊपर है, आप उसका क्या मतलब निकालो? इस दुनिया के ऊपर है. मेरी अच्छी से अच्छी बात पे भी अगर कोई चाहे तो बड़ी से बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है. तो अगर मैं इस डर में जीऊं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा यहाँ पर. समझे? लेकिन मेरे अंदर ढक्कन है ही नहीं. बोलते रहो जो बोलना है. तुम्हारे बाप का कर्जा दे रहे हैं मुझे. दुनिया के बोलने से फर्क क्या पड़ता है अगर हमको ये समझ आ जाए तो? अगर कोई काम हमको सही लगता है और हम उसको अपने पूरे दिल से कर रहे हैं, दुनिया हमको अच्छा बोल रही है बुरा बोल रही है, उससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब हमने अच्छाई को भी छोड़ दिया. आप अच्छाई के लिए तड़पते हो कि दुनिया आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दे, बस तारीफ के पीछे दीवाने रहते हो. और बुराई से आपकी डर लगता है. हाँ ये बेटर वर्ड है. ये ठीक था, थोड़ा डिसेंट है. तो बुराई से आपको डर लगता है, ठीक है ना? यही है ना, बस यहीं पे दो जगह पे आप फंसे पड़े हो. तो दोनों ही ढक्कन है. ढक्कन ये नहीं है कि मेरे को डर लगता है, ढक्कन ये भी है कि मैं तारीफ के पीछे पागल हूं. अगर आपके अंदर तारीफ का लालच ना हो तो बुराई का डर होगा क्या? देख लो जी, इस सोसाइटी को आप कुछ प्रूव करने में लगे हुए हो. अगर वो प्रूव करने का लालच ना हो तो कुछ करने का डर भी नहीं होगा. प्रूव करना चाहते हो इसीलिए तो डरते हो कि अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया, फेल हो गया तो क्या होगा, ये दुनिया मेरा क्या हाल करेगी. I'm not here to prove something to someone. I'm here to express who I am, to explore who I am, to discover my real potential. के अंदर झांक करके देखूं पानी का भंडार है, वो पानी बाहर आना चाहिए, बह जाना चाहिए इस पूरी की पूरी दुनिया में. ये लाइफ का पर्पस होना चाहिए. अब अपनी अपनी लोगों की सोच है, जब वो पानी बाहर आएगा तो कोई देख कर ये क्या तरीका है. पानी को अपने अंदर ही रखना चाहिए, अपने जो वर्ड्स हैं उसको अपने अंदर ही रखना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, व्हाटएवर. और कुछ होंगे जो मस्ती में झूम जाएंगे देख करके, चलो कोई नहीं, कहीं तो कोई बॉटल है जिसके अंदर कोई ढक्कन नहीं है, जहां पर खुल करके पानी बाहर आता है बिना किसी डर के, है कि नहीं? तो बनना है तो ऐसी बॉटल बनो जिसके ऊपर कोई ढक्कन ना हो. तब आपके अंदर जो कुछ है वो बाहर आ सकता है, तब आपकी प्यास बुझ सकती है. शायराना हो रहा है ये सेशन. तो आप सबके अंदर एक प्यास है या नहीं है? जिंदगी को खुल करके जीने की प्यास, पूरी तरह से खुश हो जाने की प्यास. वो प्यास कैसे बुझेगी? जब पानी बाहर आएगा या अंदर ही पड़ा रहा तब बुझती है प्यास? बाहर कैसे आएगा जब तक ढक्कन नहीं हटेगा? आपकी प्यास बुझ जाएगी.